नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ कमांडो 49 चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिवा। साथियों, इस वक्त हम जैसलमेर में मौजूद हैं और जैसलमेर के अंदर मरु महोत्सव जो चल रहा है, बहुत ही भव्य और दिव्य मरु महोत्सव चल रहा है। इसी के अंदर स्टॉल लगी हुई हैं, जो राजस्थानी जो खाना है, जो कल्चर है, वो यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। राजस्थान में किस प्रकार से जो भोजन है सैलानियों के लिए परोसा जाएगा, वो आप देख सकते हो। लगातार मावे, मिष्ठान, बाजरे की रोटी, जो भी तमाम अच्छे अच्छे व्यंजन यहाँ 56 प्रकार के जो भोजन है वो यहाँ सजाए गए हैं। तो हम भाई साहब से भी जान लेते हैं, क्या नाम है जी? चंदा। चंदा जी, आपने किस चीज़ की स्टॉल लगाई? मैंने स्टॉल नहीं, ये कॉम्पिटिशन है, फूड कॉम्पिटिशन है। इसके आप कहाँ से हो पहले तो आप? हम जैसलमेर से ही है प्रॉपर। हाँ, तो क्या क्या बना के लाए हो आप? चने की सब्जी, अरे चने की सब्जी है, और गट्टे की सब्जी जो हमारे जैसलमेर में प्रसिद्ध है, और आटे का सीरा है जो हर घर में बनता है हमारे तो, और ये है कलाकंद है जो हमारे जैसलमेर की प्रसिद्ध है। घोटुए के बाद हमारे यही प्रसिद्ध है कलाकंद। तो ये आप कब से तैयारी कर रहे हो कंपटीशन में भाग लेने के लिए? ये तैयारी की जरूरत ही नहीं है, हमारे घर में इससे भी अच्छे भोजन हम हर दिन बनाते हैं। हमारे शुभ कार्य हो या कुछ भी हो, इससे भी हम बढ़कर बनाते हैं। तो अभी आपने किन किन लोगों को चखाया, विदेशियों को भी, इंडियन को भी, क्या है? हर कोई आए, बाकी जज ने तो जज किए ही है, बाकी हर कोई चख के जा रहा है। लोगों का क्या रेस्पॉन्स रहा आपके प्रति? ठीक ठाक। क्या बोल रहे हैं? अच्छा, ठीक ठाक। चलो, आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथियों, आप देख सकते हो और भी इधर, ये देखो किस प्रकार से जो सैलानी है वो आनंद लुप्त उठा रहे हैं राजस्थानी जो खाना है। और ये सेकंड स्टॉल है, ये देखिए, आप देख सकते हो लगातार जो सैलानी है वो हर बड़े चाव के साथ में जो राजस्थानी भोजन है उसको ग्रहण कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं जैसलमेर की पावन धरा पर। और क्या नाम है? ममता। ममता जी, आपने ये जो लगाया है कॉम्पिटिशन में भाग लिया आपने, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से। तो कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है। तो पहली बार भाग लिया फिर? नहीं, पहली बार ही लिया है। अच्छा, क्या क्या बना के लेकर आए हो? मैंने ये खोरबा की रोटी बनाई है, ये ग्वार फली है, ये मोतीचूर के लड्डू है, ये बेसन है, ये खुरमा, ये पंचकूटा की सब्जी है, और ये मूंगफली की चक्की है। और ये कटिंग भी आपने की है? हाँ, मैंने अभी की है। अच्छा, आप देख सकते हो साथियों इनकी जो कलाकारी है वो किस प्रकार से। ये रोटी किसकी है? खोबा की रोटी। अच्छा, गेहूं की आटे की है। अच्छा, गेहूं की आटे। किस प्रकार से बना? नमक है। क्या मीठी है? नमक नहीं है, फीकी है। दोस्तों, आप देख सकते हो लगातार काफ़ी लंबी चौड़ी राजस्थान की जो भोजन है वो यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और भाई साहब हमारे खा रहे हैं दमादम, जो लोग हैं वो भी इसके साथ में एंजॉय करें। ये देख सकते हो करते हुए, ये वरिष्ठ पत्रकार जी हैं जो टेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है जी? अनीता। अनीता जी, क्या क्या लगाया आपने? ये सारी स्वीट लगाई है, कोई जैसे मेरे की ये मिर्ची बड़ा है, पनीर कोफ्ता है, मोठ के पकौड़े, बाजरे की रोटी, लच्छा पराठा, और ये शाही पनीर है, ये केर सांगरी, और ये काचरी, काचरी बोलते हैं इसे, ये गट्टा है, ये कड़ी पकोड़ा है, और मूंग दाल का हलवा है, मावा कचौड़ी है, और ये बेसन की चक्की है, और ये बालूशाही है, और ये मलाई वाला है चमचम, और ये बाजरे का लड्डू, ये गुलाब जामुन, और ये लस्सी है मीठी, और इसे गिरोली बोलते हैं। अच्छा, आपने ये पहली बार लगाई या पहले भी लगा चुके? नहीं, मैंने फर्स्ट बार लगाई। फर्स्ट बार लगाई। तो कैसा फील हो रहा है आपको इस मेले में लगा? सर, ऐसा नहीं, हमेशा होली दिवाली हम घर पे ऐसे ही बनाते रहते हैं, तो सोचा इस बार फर्स्ट बार हो रहा है फूड कॉम्पिटिशन में, एक बार ट्राई कर लेते हैं, आगे फिर देखेंगे। और लोगों का कैसा रेस्पॉन्स रहा? अच्छा रहा है, सब देख रहे हैं, सब पूछ भी रहे हैं, अच्छा रहा। और दोस्तों, और भी आप देख सकते हो किस प्रकार से इधर थर्ड जो लगी हुई है स्टॉल, उसके बारे में भी हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। इधर 56 भोग लगे हुए आप देख सकते हो एक तरीका से, और जो राजस्थान की जो पहचान है वो यहाँ उखेरी गई है। आप देख सकते हो लगातार तस्वीरों में कि किस प्रकार से जो राजस्थान का भोजन है, यहाँ पर जो विदेशी सैलानी है, भारत के तमाम कोने कोने से जो लोग आ रहे हैं वो यहाँ इस स्वाद को चख रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। भाई, दूसरी ओर हम मैडम से बात कर लेते हैं। मैडम, कहाँ से आई हो? जी, यहीं से हूँ, जैसलमेर से ही। तो कैसा लग रहा है आपको इस स्टॉल को लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं घर पे ही खाना बनाती थी हमेशा, लेकिन आज ये कॉम्पिटिशन था तो घर वालों ने बोला कि जी आप खाना अच्छा बनाती है, हमें ही खिलाते, आज बाहर जाके तो दिखाओ, तो आज मुझे विश्वास है। आपने कितने प्रकार के जो पकवान बनाए? पकवान ये है ना आपके सामने, लापसी, चूरमा, बाटी, सब्जियाँ भी है। अच्छा, कुछ स्पेशल जैसलमेर का स्पेशल क्या है?
जैसलमेर का घोटवा है बेसन का वो मैंने कोशिश की है लेकिन दोस्तों ये देख सकते हो आप तस्वीर में स्पष्ट, ये जैसलमेर की जो सबसे प्रसिद्ध जो मिठाई है ये बालूशाही मिठाई है। और क्या क्या चीज है, थोड़ा सा नाम बताइए। मोतीचूर, बालूशाही, बेसन के लड्डू और कोकोनट के लड्डू है, लापसी भी बनाई और बाटी चूरमा भी है, और खींच है बाजरे का, और ये है मिर्ची कुट्टा, बाजरे की रोटी, और ये सब्जियाँ है पंचकूटा, गट्टे की सब्जी और दही की कड़ी, दाल पालक है, मठरी भी है। अच्छा, सबसे ज़्यादा आपके इनमें से जो लोग हैं पसंद किस चीज़ को कर रहे हैं अभी? हाँ। अभी ज़्यादातर तो सबने चूरमा खाया। और विदेशी लोग? दोस्तों आप देख सकते हो लगातार जो आप लोगों का हुजूम भी देख सकते हो किस प्रकार से स्टॉल पर इनको खाने के लिए थोड़ा थोड़ा मिल रहा है लेकिन सब आनंद से इसको खा रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। क्या नाम है जी, क्या नाम है, नाम क्या है जी? छोंदा मंडल। कहाँ से आए हो? कोलकाता से। अच्छा, कैसे लग रहा है आपको राजस्थान में आकर के? अच्छा है, बहुत अच्छा। बांग्ला तो बोलने वैसे भालो, खूब भालो लग जाए इखाने से, खबर खूब भालो है चे, बेसन दिए जे जिनिस टा तोड़ को चटो खूबी भालो खेते। तो पहली बार आए हो राजस्थान में? हाँ, पहली बार आया। चलिए, क्या नाम है सर? तरुण मंडल। चलिए, बहुत कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों आप देख सकते हो लगातार और भी हमको तमाम स्टॉलों को बताते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ में। जय जय भारत।